नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 43। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। डोंगरगढ़ में डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक व्यक्ति राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ का रहने वाला है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। प्रदेश के बिल्डरों के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ के भू संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिनकी पूर्णता 25 मार्च 2020 या उसके बाद है, उनके पंजीयन अवधि में 6 माह का विस्तार किया गया है। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए पृथक से नवीन पंजीयन जारी किए जाएंगे। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत अब तक गंभीर। नारायणा हॉस्पिटल ने पूर्व सीएम अजीत जोगी की सेहत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अजीत जोगी का स्वास्थ्य अभी हीमोडायनेमिकली स्थिर है। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा अजीत जोगी के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। अजीत जोगी की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, किसानों के लिए भाजपा ने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीदी को लेकर दिए गए आदेश पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि भाजपा के लगातार मांग और दबाव के कारण ही आखिरकार प्रदेश सरकार ने धान खरीदी को लेकर किसानों के हित में आदेश दिया है। हम लगातार किसानों के हित के मुद्दे उठाकर प्रदेश को उचित फैसला लेने को विवश कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार को हमारी मांगों के सामने झुकना पड़ रहा है। देश में कोरोना से एक दिन में 5611 नए केस और 140 मौतें। भारत में कोरोना वायरस की एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5611 नए मामले सामने आए हैं और करीब 140 लोगों की मौतें हुई हैं। बुधवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 10,06,750 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 3,303 लोगों की मौतें हो चुकी है। इटावा में पिकअप और ट्रक की जोरदार टक्कर, 6 किसानों की मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में मंगलवार रात पिकअप और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। ताकतवर हो रहा है अम्फान चक्रवात। केंद्र में 200 KMPH पहुंची रफ्तार, हाई अलर्ट जारी। अम्फान चक्रवात 200 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान चक्रवात उड़ीसा के तट से टकरा सकता है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है। बसों को लेकर विवाद बढ़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। प्रवासी मजदूरों को बस मुहैया कराए जाने को लेकर विवाद और बढ़ गया है। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया है। यह मुकदमा भारतीय दंड विधान धारा 420, 467 और 468 के तहत दर्ज किया गया है। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार के उस आरोप के बाद दर्ज हुआ जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए दी गई 1000 बसों की सूची में शामिल कुछ वाहनों के नंबर तो 2 पहिया, 3 पहिया वाहनों और कारों के तौर पर दर्ज पाए गए हैं। घर में काम करने वाला नौकर निकला कोरोना पॉजिटिव। जानवी कपूर ने कहा, इस समय घर में रहना ही सबसे सही उपाय। बोनी कपूर के मुंबई स्थित घर में काम करने वाला नौकर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 19 मई को यह जानकारी सामने आई कि 23 वर्षीय चरण साहू नाम का यह नौकर फिल्म मेकर के घर में ही रहता है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बोनी ने अपने आप को परिवार समेत क्वारंटाइन कर लिया। जानवी ने लिखा, इस समय घर में रहना ही सबसे सही उपाय है, सभी सुरक्षित रहें। जानवी के इस मैसेज पर कार्तिक आर्यन ने रिएक्ट करते हुए लिखा, सही समय पर एक्शन लेने के लिए आपकी दाद देता हूं, जागरूकता फैलाना जरूरी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लबों में कोरोना वायरस के 6 मामले।
इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लबों के अभ्यास पर लौटने के बाद कोरोना वायरस के लिए परीक्षण किया गया, जिसमें 6 मामले पॉजिटिव आए हैं। प्रीमियर लीग ने कहा कि हम पुष्टि करते हैं कि 748 खिलाड़ियों और क्लब स्टाफ का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया। इसमें से 3 क्लबों के 6 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। तुलसी का पौधा अत्यंत ही उपचारक के रूप में वास्तु शास्त्र पे माना गया है। तो आइए, अगर आप अपने घर पे तुलसी रखना चाहते हैं तो उसे घर के उत्तर और पूर्व के कोने पे रखें। अगर उत्तर और पूर्व के कोने पे स्थान नहीं है तो आप अपने छत की बालकनी में उसको रख सकते हैं। अगर बालकनी में स्थान नहीं है तो छत के टेरेस पे उत्तर और पूर्व कोने पे तुलसी के पौधों को रखें। और तुलसी पे जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपका जो मुंह है वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप तुलसी को रखने में ईशान कोण पे आपके पास में कोई स्थान नहीं है तो उसे दूसरे स्थान में पूरब की दिशा पे रख सकते हैं। तो तुलसी का पौधा अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। आइए, आप अपने निवास पे तुलसी का पौधा स्थापित।